हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके आईटी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, HTML का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके आईटी सॉल्यूशन से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एके आईटी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सके। लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था, तो देखो मैं बता देता हूँ। लास्ट की वीडियो में हमने फॉर्म के बारे में कुछ देखा था, कुछ इसके एट्रीब्यूट देखे थे, और आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट इसके कुछ एट्रीब्यूट जो हमारे छूट गए थे, जैसे कुछ जो टाइप के एट्रीब्यूट थे वो चीज़ें छूट गई थी, वो मैं बताने वाला हूँ। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज हम पहले सेलेक्ट देखेंगे, उसके बाद रेडियो बटन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे चेकबॉक्स के बारे में। एंड इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, ऑटो सेलेक्ट भी बताऊंगा कि किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस होल्डर भी बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे हिडन कैसे करते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारे पास ये फॉर्म बना हुआ है। अब देखो, पहले मैं बताऊंगा आपको प्लेस होल्डर के बारे में। प्लेस होल्डर क्या होता है, किसी भी एट्रीब्यूट के साथ आप प्लेस होल्डर यूज करो। जैसे आपका यहाँ पे था, आप यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो। प्लेस होल्डर आपने यहाँ पे यूज किया, यूज करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूजर नेम था ना, तो यूजर नेम आपने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो चेंजेस क्या आया होगा, तो चेंजेस आपको यहाँ पे देखो अंदर लिखा आया है यूजर नेम, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो हट जाएगा वो, ठीक है, उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। आपने देखा होगा कितनी वेबसाइट पर आता है ना, एंटर नेम, नीचे ईमेल में फॉर्मेट दिया होता है, पासवर्ड में फॉर्मेट, वो सब चीज़ें वो होती है प्लेस होल्डर। तो बचे हुए जितने भी टैक्स बचे हैं उन सब पे प्लेस होल्डर आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अभी मैं आपको पहले रेडियो वगैरह का बताऊँगा। तो अभी आप यहाँ पे दोस्तों, मान लो आपके पास, आप यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इनपुट रेडियो अगर आप इस तरह से लिखते हो ना, तो आपने यहाँ पे रेडियो लिखा तो इस तरह से पूरा बन के आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ टैग लगाया, पैराग्राफ के अंदर लगाया सेलेक्ट योर सेंडर, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा। अब रेडियो बटन यहाँ पे आपका आ गया। रेडियो बटन आने के बाद अभी आपको क्या करना है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, आपको लेबल लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल आप नीचे लगाओगे, ठीक है, लेबल आपने लगाया एंड इसके अंदर आपने मेल कर दिया, मेल आपने यहाँ पे लिखा। आईडी में आपको क्या देना होता है, मैंने क्या बताया था, आईडी में आपको वही देना है। तो यहाँ पे मैंने मेल दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ मेल दे दिया, और इसके अंदर जो लेबल है उसके अंदर किसमें, फोर टैग में, ठीक है, फोर के अंदर, टैग नहीं सॉरी एट्रीब्यूट में, यहाँ पे मेल आपने दे दिया। दोनों क्यों काम आते हैं तुम्हें पता ही है, ठीक है। अभी क्या हुआ होगा, देखो इस तरह से बना होगा एक, अभी के लिए यार मैं क्या करता हूँ, बी आर है यहाँ पे, बी आर यूज कर, ये मेरा बी आर यूज हो। तो अभी के लिए मेरा मेल इस तरह से बन गया। अभी देखो इस पर कर रहा हूँ क्लिक, हो जा रहा है, ठीक है, क्लिक हो जा रहा है। सेम इसको करूंगा यहाँ से कॉपी एंड देन नीचे करूंगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी रेडियो होगा, यहाँ पे ईमेल कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम फीमेल कर देंगे एंड यहाँ पे मैं फीमेल कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया। अब देखो दोनों के अंदर आप कोई भी एक बंदा है सिलेक्ट, तो वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट तो वो एक ही चीज कर सकता है, या तो मेल या फीमेल। अभी क्या हो रहा है, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, दोनों क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। एक बी आर और मैं आ जाता हूँ पहले, थोड़ा सा हाँ स्पेस बन जाएगा। अभी हमको ये दोनों टैग कैसे करने हैं कि भाई एक ही सिलेक्ट हो, तो उस केस में यहाँ पे नेम काम आता है। देखो नेम ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने जेंडर दे दिया, जेंडर दे दिया, अब यहाँ पे ही मैंने जेंडर दे दिया। देखो अब ध्यान से देखना, या तो ये सिलेक्ट होगा या फिर ये सिलेक्ट होगा, भाई दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, ध्यान से देख पा रहे हो ना। तो किससे हुआ, नेम से हुआ, जब दोनों के नेम सेम होंगे, जितने रेडियो बटन के नेम सेम होंगे ना, वो एक टाइम में एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। इसको हम बोलते हैं रेडियो बटन, क्या बोलते हैं, रेडियो, समझते हो ना। इसको बनाया कैसे गया, रेडियो कोई पुराने मॉडल की रेडियो देखी होगी आपने, एक बटन क्लिक करते थे एक उठ जाता था, एक क्लिक करते थे रेडियो, बेसिकली वो वॉकमैन टाइप की जो आती थी, याद होगा आपको, है ना। अब पहले रेडियो भी आती थी, चलो मैंने भी देखी यार, तुमने देखी होगी तो पता नहीं, तो वो सब चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऐसे। इस वजह से इसका नाम रेडियो रखा गया, बट आप समझ रहे हो एक टाइम में एक ही बटन चलना, तो ऐसा ही नहीं है, जेंडर में यूज होता है, यूज काफी जगह होता है जहां पे आपको स्किल देनी हो आपको, कि आपकी एक ही स्किल मैंडेटरी है इस फॉर्म के लिए, वहां पे आप यही चीज दे सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन में भी बहुत सारी चीजों में आ जाता है। तो रेडियो हो गया आपका। अब देखो ये इसमें तो हो गया आपको सिंगल यूज करना है। अब आप कहोगे भाई सिंगल तो मैंने यूज कर लिया, मुझे डबल भी यूज करना है, मैं चाह रहा हूँ मुझे मल्टीपल यूज करने हो, तो मल्टीपल कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है चेकबॉक्स इनपुट, उसके बाद चेकबॉक्स। देखो चेकबॉक्स मैंने इस तरह से एंटर किया, यहाँ आपका आ गया चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के अंदर आप यहाँ पे नीचे आते हो और यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, चेकबॉक्स आपने दिया
एंड इसके अंदर आप यहाँ पे लेबल दे देते हो। देखो यहाँ पे चेकबॉक्स से हुआ क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। तो देखो एक बॉक्स इस तरह का क्लियर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप। अब यहाँ पे आपने लेबल दे दिया, ठीक है, मैं लेबल यहीं से कॉपी करूंगा एंड यहाँ करूंगा पेस्ट। यहाँ पे भाई मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसकी आईडी मैंने दे दी चेकबॉक्स की, फर्स्ट फर्स्ट क्या है चेकबॉक्स, ये है जावा। और यहाँ पे आप क्या दे दोगे, जावा। और यहाँ पे आप क्या दे दोगे, जावा। तो सेम पैराग्राफ आप चाहो तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे ले आ सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, सेलेक्ट योर स्किल, स्किल या स्किल इस तरह से। तो स्किल आपने यहाँ पे दे दी तो देखो आपका क्या हो गया, एक जावा होगी स्किल आपकी। भाई एक जावा ही थोड़ी हो सकती है, और भी तो हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से गए, मैंने यहाँ पे किया कॉप, भाई क्या कर दिया, यहाँ से किया कॉपी एंड नीचे करूँगा पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे चेकबॉक्स दोबारा आ गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो, यहाँ पे दे दिया भाई आपने सी प्लस प्लस, ठीक है, सी पी पी प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे सी पी कर देंगे। और यहाँ पे आईडी में भाई यहाँ पे ही मेरे को सी पी पी करना पड़ेगा, चलो सी पी कर दिया। एंड यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आपने सी पी प्लस प्लस इस तरह से कर दिया। तो देखो दोस्तों आपकी यहाँ दो बन गए, दोनों चेक हो रहे हैं भाई, चेक हो रहे हैं, जितने चाहो उतने चेक कर लो, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं चेक बॉक्स। तो इसके अंदर आपने, आप चाहो तो और भी दे सकते हो, लो भाई मैंने यहाँ तक का कॉपी कर लिया और एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मुझे पता है कुछ जो इसे अच्छे से यूज़ करते हैं ना एडिटर को, वो क्या बोल रहे होंगे, भैया क्यों कॉपी कर रहे हो बार बार, सीधा क्या करो अल्ट शिफ्ट के साथ नीचे ले आओ उसको, एरो जो नीचे का होता है उससे आ जाएगा। पता है भाई मेरे को ही पता है इस बारे में। यहाँ पे जावा सी पी पी था, यहाँ पे आप पाइथन, ठीक है, यहाँ पे भी आज पाइथन, वो वाला पाइथन नहीं, यदि वहाँ कई वो समझ रहे हो वो वाला पाइथन, ठीक है। यहाँ पे एच भी आना था एंड यहाँ पे आपने पाइथन पाइथन कर दिया। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे रेस्ट ले ली, कि यहाँ पे भी आपने रेस्ट ले ली। जिसको नहीं पता रेस्ट के बारे में जाके देखो, ठीक है, यहाँ पे भी आपने रेस्ट ले ली। और आप नीचे गए, यहाँ पे देखो आपकी इतनी लैंग्वेज यहाँ पे आ गई है, सब सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी करो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा ऊपर वाला क्या था, रेडियो बटन, नीचे वाला क्या था, यहाँ पे हमारे सिलेक्ट बटन थे, कितने भी सिलेक्ट कर लो, एक तरह से कॉम्बो मान लो इस तरह को। एंड अब हम देखने वाले हैं सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में, सिलेक्ट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं भाई, उसके बारे में आपको पहले यहाँ बी आर टैग लगाता हूँ एक, ठीक है, बी आर इस तरह से। एंड यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन, वो भाई क्या हो गया, सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में कैसे हम यूज करते हैं। तो देखो पहले आपको सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट आपने लिखा, वैसे ये इनपुट का पार्ट नहीं है, वो फॉर्म का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज ज्यादा होता है। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद आपने ऑप्शन आपको लेने हैं, ऑप्शन आपने ले लिए, ओके क्या लेने थे, ऑप्शन, ऑप्शन आपने ले लिए, यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी। मान लो यहाँ पे मेरे पास किसके ऑप्शन लेने हैं, मेरे को स्किल तो मैंने ऊपर दे दी थी, ठीक है, तो मेरे को किसके ऑप्शन देने, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे हैं, मान लो मैं पैराग्राफ में दे देता हूँ कि भाई आप अपनी क्या सिलेक्ट करो, निश या डोमेन सिलेक्ट करो, ठीक है, डोमेन जो भी होगी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले मैंने क्या दे दिया, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब टेक, वेब टेक दे दिया, तो वैल्यू दे दी मैंने वेब टेक, वेब टेक मैंने दे दी इस तरह से, मैंने और भी मल्टीपल बना लिया, यही वाली बात बोल रहे थे ना आप, जैसे मैं अब लाया हूँ इसको, हाँ मुझे पता है। यहाँ पे ए आई दे दिया, ठीक है, नीचे ML दे दिया, डाल के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ML दे दिया। तो यहाँ पे AI टेक, AI और नीचे ML टेक, ML में आ गया इस तरह से, और भी काफ़ी सारे हैं। तो यार वेब है तो एंड्रॉयड भी होना चाहिए, ठीक है, ANDANDI कर दे रहा हूँ फिर मैं, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लेना। अब आप यहाँ पे गए, देखो क्या बन के आया, ड्रैगन, ये आया ड्रैगन ड्रॉप वाला एक तरह से, ठीक है। देखो आप इस तरह से जाओगे, इस तरह से आ गया, आप किसी भी इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपने सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, किया गया था आपने भाई इसके अंदर, आप यहाँ पे गए थे इस तरह से, आपने सेलेक्ट किया था, देखो सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर आप आए, ये वाला सेलेक्ट ऑप्शन आया, इसके अंदर नेम में अभी फिलहाल कुछ मत दो, चलो दे देता हूँ यार, डोमेन आपने दे दिया। एंड यहाँ पे आप देखते हो इन चीज़ों को, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट एक और है, इंटरेस्टिंग क्या है, इसको आप लेवल में ले लो, ठीक है, ये वाला जो डोमेन लिया था आपने ये ले लो लेवल में, लेवल। अब इसके अंदर आप क्या दोगे, आईडी, डोमेन, डोमेन दे दिया, और यहाँ पे भी आप डोमेन आपने दे दिया, एम यार आई रहने देते हैं, स्पेलिंग तो गलत हो ही जाती है भाई, यहाँ पे भी आपने क्या दिया, डोमेन, ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब आप क्या है,
अब जब आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना, यहाँ पे भी तब भी इस पे जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसके अंदर एक चीज जो आपने ये देखा होगा, एक ऑप्शन कैसा होता है, इस तरह का होता है, उसके अंदर क्या आता है हमारा, उसके अंदर हमारा सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आता है आपका। उसके अंदर हम क्या देते हैं, नन देते हैं, ठीक है, इसकी एक वैल्यू नन भी होती है। भाई कोई है ही नहीं हमारा, नन का मतलब कुछ नेम ही नहीं है इसका। अभी तो आपको क्या आ जाएगा, अभी तो आपका ऑटो सेलेक्ट आ रहा है, इस तरह से नीचे जाओगे सेलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है। तो इसका मतलब देखो कोई चीज हमें हटानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, हम उसे हिडन कर देंगे। हिडन, आप पहले नंबर पे तो ये देखो हिडन में हुआ क्या, नीचे सेलेक्ट नहीं दिखाई दे, ठीक है, ऑटो सेलेक्ट यही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इसको ही सेलेक्ट दे देंगे, सेलेक्ट हमने दे दिया। सेलेक्ट के बाद हम क्या देखेंगे, ऑटो सेलेक्ट है, ठीक है, पहले से ही ये सिलेक्ट है, इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया, सेलेक्ट हो रहा है पहले से ही, और उसके बाद हमने ये यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से हम इनको दे सकते हैं, मैंने सेलेक्ट सेलेक्ट यूज कर लिया, ठीक है, हिडन यूज कर लिया यहाँ पे, ये सब चीजें, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला था, ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब वो इसके अंदर और क्या चीजें मैं आपको बताऊँ, और चीजें मैं आपको बताता हूँ भाई। जैसे आपका ये वाला ऑप्शन था जिसमें हम प्लेस होल्डर पे आए थे, अगर मेरे को डिसेबल करना है, डिसेबल, तो देखो आप ध्यान से देखना, अभी डिसेबल हो गया, अभी कुछ कर ही नहीं सकते इस पे, आप कितना भी नीचे वाले पे कर सकते हो, ऊपर वाले पे नहीं कर सकते। डिसेबल का मतलब टाइम निकल गया भाई, हमने पूरे फॉर्म को भी डिसेबल कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं भाई, कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है, ये चीजें आपकी खत्म होगी। तो इस तरह से हम इसको डिसेबल यूज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आता है ऑटो फिल वाला, ऑटो सेलेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं क्या आ रहा है, ऑटो कम्प्लीट, ऑटो कम्प्लीट ये हो गया, और इसके अंदर पहले से कुछ वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम छोड़ो इस तरह से देते हैं। तो अभी हम डिसेबल हटाएंगे पहले इसको, डिसेबल, यह एक काम करते हैं, ऑटो कम्प्लीट हम नीचे लिखते हैं, कॉपी हमने किया, एंड इसके अंदर मैं ऑटो कम्प्लीट मैंने यहाँ पे दिया स्पेस, एंड इसको हटा दूंगा। अब हम चलते हैं, देखो दोस्तों ध्यान से आप देखना, ऑटो कम्प्लीट का मतलब जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ दिया था, ओह यार मैंने पासवर्ड वाले में तो गलती लगा दिया, फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, कट करता हूँ, नीचे लगाता हूँ ईमेल, ठीक है, इस तरह से ये क्या खुल गया यार, यहाँ मैंने पेस्ट किया, यही मैंने यहाँ पे ईमेल में कुछ डाल दी थी, ईमेल जैसे कि इस तरह से @gmail.com, इस तरह से मैंने डाल दी, लॉगिन कर दी। अभी आप देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रहा है, बट वो जब नीचे आप पहले से फिल कर देते हो ना कुछ, नीचे ऑप्शन जो आता है वो आउट ऑफ फिल वाले से आता है, ठीक है। अभी ये हो गया, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको आउट ऑफ फोकस, ठीक है, फोकस। तो अगर हम यहाँ पे एफ फोकस, क्या था यार वो, आउट ऑफ फोकस वाला, आउट ऑफ फोकस वाले से क्या होता है, देखो डायरेक्ट जैसे ही लॉग इन करेगा, जैसे ही यूजर इस पे आएगा, ऐसे ही देखो इस पे फोकस आ गया, इस वाले फोकस आ गया, ये चीजें होती है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें देख ली आपने, आप जाओ HTML, आप क्या चेक करो कि फॉर्म के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, वो फॉर्म के एट्रीब्यूट आप जाके चेक कर लो, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसके काफी सारे हम यहाँ पे काफी हम इसको यूज करेंगे, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, एंड AKSD सर्विस को कर लो सब्सक्राइब, भाई साहब कर लो सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।